Hey guys, this is Vaishnavi. So today I'm going to tell you how to make a slime. I'm going to make a slime today. So for this we will need a clear glue. So मैंने ये किट मंगाई थी पूरी स्लाइम की ऑनलाइन शॉपसी से, तो मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अगर हुआ तो. तो मैंने सबसे पहले वो डाला, क्लियर ग्लू है ये, तो मैंने वो डाला सबसे पहले. 4-5 पम्प्स उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा डाला. तो मैंने उसके बाद फेविकॉल होता है थोड़ा सा वो भी डाला, क्योंकि एकदम यू नो थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर एंड अच्छे सा दिखने के लिए. तो मैंने इस वजह से वाइट ग्लू भी जो कि फेविकॉल है वो भी मैंने डाला था इसमें. फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स करा जब तक कि ये पूरा वाइट ना हो जाए. फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर डाला था, थोड़ा सा मतलब लिक्विड कंसिस्टेंसी आ गई थी इसकी. फिर इसके बाद मैंने अच्छे से और मिक्स करना है, थोड़ा सा और ग्लू मैंने डाला था वो येलो वाला क्लियर ग्लू. तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है. फिर इसके बाद मैंने कलर डाला था, फेविक्रिल का क्लास कलर होता है वो यूज़ किया था मैंने इसमें. तो आप कोई भी जेल कलर या फूड कलर भी ले सकते हैं. तो मैं इसको उसमें ही डाला थोड़ा सा ग्रीन कलर मैंने बनाना था, तो इस वजह से मैंने ग्रीन. आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं या तो बिना कलर का भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है कलरिंग. फिर उसके बाद मैंने कोई क्रीम भी डाल सकते हैं, बॉडी लोशन डालना है तो मैंने हाफ स्पून डाला था. आप चाहे तो कोई भी परफ्यूम या कोई भी स्मेलिंग ऑयल डाल सकते हैं, सिस्टर ऑयल अपने कोई भी खुशबू के लिए. फिर मैंने इसमें ग्लिटर डाला था जो किटी के साथ आया था, किट के साथ आया था वही ग्लिटर डाल दिया था मैंने ग्रीन कलर का. आप चाहे तो वही सेम कलर का डाल सकते हैं ग्लिटर, वरना आप भी आप कोई और कलर का भी आप डाल सकते हैं. सो मैंने इसमें स्लाइम एक्टिवेटर आता है मेन है स्लाइम बनाने में, तो वो मैंने डाला था. स्लाइम पहले मैंने 1.5 स्पून डाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा बहुत स्टिकी हो गया था, तो मैंने उसको बहुत मतलब थोड़ा सा ही मेसी हो गया था, तो वो मैंने दिखाया नहीं आपको. बहुत ज़्यादा मेसी हो गया, तो मैंने कैसे मतलब थोड़ा सा मेस कंट्रोल करके अच्छी थोड़ी सी स्लाइम बनाई. बहुत स्टिकी हो गई थी स्लाइम मेरी, मे बी मैंने शायद वाटर डाल दिया था. आप अपने स्लाइम के अकॉर्डिंग देख लेना, वाटर कम या ज़्यादा कर लेना. एंड ये स्लाइम एक्टिवेटर ग्रेजुअली डालना, मतलब अगर ज़्यादा स्लाइम एक्टिवेटर डाल देंगे तो आपका स्लाइम टाइट होने के भी चांसेस हैं. सो यार पहले ऐसे कुछ बन गई थी, इसको थोड़ा सा मैंने मतलब यू नो नीट किया एंड फाइनली बन गई मेरी ऐसी स्लाइम. आपको आवाज़ आ रही होगी. फिर गाइस जब आप अच्छे से नीट कर लेना, आपको एक एयर टाइट बॉक्स लेना है कंटेनर में, मैंने ये वाला लिया था, वो उसमें अच्छे से डाल देना है. एंड आपको उसको 2 डेज़ के ऐसे स्टोर करके रखना है ताकि आपकी अच्छी से स्लाइम ग्लॉसी सी बन जाएगी. सो अब मिलती हूँ आपसे 2 डेज़ के बाद.